हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे दो ऐसी फिल्मों का। एक तो लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत फिल्म जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुई थी, और एक फिल्म है जिसका नाम है मैं वहां क्यों था। आज हम इन दोनों फिल्म का कंपेयर करेंगे और आप भी सुनकर चौंक जाओगे, आप भी सोचोगे कि क्या ये कोइंसिडेंट है या क्या है। एक तो लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत फिल्म जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुई थी, और एक फिल्म है जिसका नाम है मैं वहां क्यों था जो कि विश्वास प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म है। और इस फिल्म को विनोद विश्वास जी ने ही लिखा है, डायरेक्ट भी किया है, प्रोडक्शन भी उन्हीं का है। एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुई है, और जो 3 महीने फिल्म जो मैं वहां क्यों था उसका एक गाना है, सेम पिक्चराइजेशन लाल सिंह चड्ढा के एक गाने में है जिसमें आमिर खान दौड़ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिरिक्स और म्यूजिक, मैं म्यूजिक और लिरिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों डिफरेंट है, लोकेशन भी डिफरेंट है, पर जो पिक्चराइजेशन है टोटली डिक्टू है। जो एक्टर नया एक्टर है मैं वहाँ क्यों था में, जो एक नया एक्टर है अमित सक्सेना, काफी बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ दोनों के शॉट, डिक्टू एक आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाओगे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि दोनों के शॉट सेम एक जैसे शॉट। और ये 3 महीने पहले रिलीज हुई थी और ये 11 अगस्त को रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये कोइंसिडेंट ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक नया एक्टर भी अगर उस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है तो उसे क्यों प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, क्या कारण है। एक कहावत है अंग्रेजी में कि एबिलिटी इज लिटिल अकाउंट विदाउट अपॉर्चुनिटी, आपके पास लाख टैलेंट है लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो आपकी जो काबिलियत है वो धरी की धरी रह जाती है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ कि एक नए एक्टर भी उस लेवल के एक्टिंग कर सकता है अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो। जैसा कि इस दोनों के क्लिप को आप देख के समझ भी सकते हो, काफी सिमिलरिटी है, 80-85% इवन कह सकते हैं कि 90% तक सिमिलरिटीज है एक्टिंग में, और उनके जो शॉर्ट टेकिंग है, जो पिक्चराइजेशन है सीन में, हालांकि लिरिक्स और म्यूजिक मैंने पहले ही बताया है, लोकेशन भी सब अलग है। आप भी देखिए पहले और उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिए। और ये रहे अमित सक्सेना के इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सक्सेना हूं और मैं एक अभिनेता हूं। और एक अभिनेता के लिए बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुशी का क्षण होता है जब उसकी फिल्म रिलीज हो। तो बहुत ही संघर्ष और मेहनत के बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है हंगामा प्ले ओटीटी पर, जिसका नाम है मैं वहां क्यों था, जो कि विश्वास फिल्म बैनर तले बनी है और जिसके निर्माता, निर्देशक, लेखक और गीतकार हैं विनोद विश्वास जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विनोद जी का कि जिन्होंने मुझे फिल्म में मौका दिया काम करने का। लेकिन अब जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। अभी अभी 11 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान की फिल्म है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरी फिल्म जो 3 महीने पहले रिलीज हो चुकी है उस फिल्म का एक गाना और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का एक गाना आपस में बहुत मिलते हैं। मेरी फिल्म का पिक्चराइजेशन सेम टू सेम लाल सिंह चड्ढा में आपको वो देखने को मिलेगा। मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चराइजेशन की बात कर रहा हूँ। दोनों फिल्मों का पिक्चराइजेशन, दोनों गानों का पिक्चराइजेशन जो है एक जैसा हुआ है, फिल्म का नहीं गाने का पिक्चराइजेशन एक जैसा हुआ है। आप लोग जरूर देखिएगा हंगामा प्ले ओटीटी पर मैं वहां क्यों था। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है मेरी, और सबसे बड़ी बात है कि आमिर खान का जो क्रिएटिव लेवल है, क्रिएटिविटी का लेवल है, वो कितना मैच करता है हमारे डायरेक्टर से और खुद मेरे एज एन एक्टर मुझसे, कि हमारी सोच भी इतने लेवल पे है कि जो आमिर खान कर रहे हैं वो हमारी टीम ने पहले ही करके दिखाया है और 3 महीने पहले रिलीज हुई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो थैंक यू वेरी मच गाइस, और देखिएगा जरूर एक बार मेरी फिल्म। तो देखा आपने किस तरीके से सेम शॉट लिया गया है, और जो गाने का थीम है, जो गाने का इंटेंशन है, दोनों का सेम है, दोनों ने सेम एज इट इज ऑलमोस्ट एक्टिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत एक मैसेज है, एक नया एक्टर भी किसी को बीट कर सकता है, एक नया एक्टर भी उस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता है। खासकर मैं उन जो नया एक्टर जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपकमिंग एक्टर हैं उन सबको मैं इंडिकेट करके कहना चाहता हूँ
और जो मेकर है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी काबिलियत को साबित कर सके। आज बॉलीवुड में जो फिल्में फ्लॉप हो रही है, बैकआउट हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण से इसके। जब एक छोटी फिल्म में वो लोग साबित कर सकते हैं तो बड़े प्लेटफॉर्म अगर मिलेगा उन्हें, बड़ा प्रोडक्शन होगा, बड़े बजट की फिल्म होगी, तो वो भी काफी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि काफी सिमिलरिटीज है दोनों वीडियो में, और ये कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, आप क्या गेस करते हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप हो गई है, और ये जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहां क्यों था, छोटे बजट की फिल्म थी, बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन एक्टरों ने काफी, इनके जो टीम मेंबर है, काफी मेहनत की थी, एक अच्छी फिल्म है। और पूरा गाना भी आप देख सकते हो, उसका भी मैं लिंक दूंगा। और जो भी सिमिलरिटीज है, क्या कोइंसिडेंट है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।